टॉक शो इंडिया के सभी दर्शकों को अनिकेत राज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है सूरत सिरेमिक एसोसिएशन के चेयरमैन श्री वरद भाई और साथ में है सूरत सिरेमिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री विनोद भाई। वरद भाई, विनोद भाई, आप दोनों का टॉक शो इंडिया में मैं स्वागत करता हूँ। वरद भाई, सूरत सिरेमिक एसोसिएशन कब से बना और कैसा सफर चल रहा है और किस तरह से आप इस संस्था को देखते हैं? सर, हमारा सूरत सिरेमिक एसोसिएशन पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गया जी शुरू हुआ जी। और हम सब साथ मिल के, सब व्यापारी साथ में एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। अच्छा। और बहुत बड़ा अच्छा संगठन बन गया अभी जी। और अच्छे अच्छे सबको फायदा भी मिल रहा है, इसका बिजनेस में भी फायदा मिल रहा है जी जी। और बहुत अच्छा आगे चल रहा है। क्या बात है, आपके मुस्कुराहट जो है ये बताता है कि बीइंग चेयरमैन आप जो खुशी दे रहे हैं और लोगों को खुशी आपको मिल रही है, तो पूरी एक टीम की तरह से ये संस्था आगे काम कर रहा है और प्रेम आपस में और बढ़ रहा है, व्यापार तो बढ़ ही रहा है। हाँ, वो तो है। विनोद भाई, सूरत सिरेमिक एसोसिएशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी पिछले शायद 5-6 साल से चल रही है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, सिरेमिक प्रीमियर लीग। तो ये सीपीएल के बारे में बताइए कि कब से शुरुआत हुआ और किस तरह से इसका जर्नी चल रहा है? सीपीएल स्टार्ट हुआ ना 6-7 साल हो गया है। ओके। उसका जर्नी एकदम मतलब अच्छे से अच्छे चल रहा है जी। पब्लिक सब एक भी हो रहे हैं और सब लोग हर साल इंतजार करते हैं कि जैसे सीपीएल 6 अभी आ रहा है, वापिस 7 कब आएगा, सब लोग मतलब ऐसे आनंद मतलब वेट कर रहे हैं कि भाई ये कब आएगा जी। और ये शुरू करने का मकसद हमारा सबको एक करने का है जी। आजकल के ज़माने में भागा भागी में इंसान दौड़ा दौड़ी में थोड़ा उसको रिलैक्स मिले जी जी। उसके लिए ये सीपीएल का मुझे विचार आया था और वो हमने उसको एक्शन लिया और स्टार्ट किया अभी। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म निकाला कि भाई जीवन का भागा भागी में और आपाधापी में थोड़ा आओ, बैट पकड़ो और थोड़ा कुछ चौका छक्के मारो और कुछ अपने लाइफ को भी एंजॉय करो भाई। जरूरी नहीं कि हर क्रिकेट के शौकीन को विराट कोहली बनना है या धोनी बनना है, वो अपने आप में जो ईश्वर ने यहाँ भरत भाई जो हुनर दिया है उसको एक शोकेस करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आने वाला जो सीजन है सीपीएल का, वो कब से है? आने वाला सीजन मार्च महीने में है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आप लोग की तैयारी है, भरत भाई आपकी, विनोद भाई आपकी, तो जितने भी लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसमें तो एक्साइटमेंट पूरा होगा ही होगा। और उनका जो एक प्लेटफॉर्म में जो आपस मिल रहे हैं और व्यापार के साथ साथ जो आपने कहा कि जीवन के आपाधापे में भाग दौड़ के जिंदगी में एक रिलैक्स करने का, क्रिकेट खेलने का भी आनंद आएगा। तो इस जो आने वाला आपका मार्च में सीपीएल सीजन 6 है। तो इसके लिए तैयारी तो आप लोगों के संस्था की तरफ से हो ही चुकी है। तो भरत भाई, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार का जो सीपीएल सीजन 6 होने वाला है और विनोद भाई का जो एक्साइटमेंट है और आपकी जो चेहरे का मुस्कान है, दोनों मिलके 2-4 तो प्लेयर इंडियन क्रिकेट टीम में चले जाए, ऐसे भी शायद मिल भी जाए, यू नेवर नो, है ना? होप सो। हाँ, और कहते हैं ना कि आदमी का कोई शौक पूरा करने का उम्र नहीं होता है, एज इज जस्ट नंबर। तो हो सकता है कि वहां पे कोई यंगस्टर ऐसा मिले और वो अपने शौक को भी पूरा करे और फिर वो हो सकता है कि भाई कुछ क्रिकेट विकेट में आगे अपना जिंदगी में आगे मुकाम को हासिल करे। विनोद भाई आपको, भरत भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना टॉक शो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से। उम्मीद करता हूं कि जो भी ये सीपीएल में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी टीम है उनको एक नए जज्बे के साथ में पूरा प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट खेलेंगे और जो देखने वाले लोग आने वाले हैं उनको भी आईपीएल से ज्यादा मजा आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। दोस्तों, ये थे आज के हमारे खास मेहमान श्री भरत भाई, द चेयरमैन ऑफ सूरत सिरेमिक एसोसिएशन एंड द प्रेसिडेंट श्री विनोद भाई, जो सूरत सिरेमिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद टॉक शो इंडिया एंड डोंट फॉरगेट एंड डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक से एक धुरंधर क्रिकेटर को जो आने वाला है मार्च के डेट में और जिसका नाम है सिरेमिक प्रीमियर लीग। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार। नमस्कार।